Welcome to LearningStrome Academy, friends. Today we are going to discuss how we can insert the image in the applet. मतलब हम लोग image कैसे डालने वाले हैं अपने applet के अंदर, ये देखते हैं हम लोग. तो पुराने जो भी चीज़ सीखने के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब बटन दबाएं. इसको हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं कैसे हम लोग इमेज लगाते हैं अपने applet के अंदर. तो हम लोग अपना जो फोल्डर है अपना, उसमें जहाँ आप लोगों की एप्लेट की फाइल होगी ना, जहाँ एप्लेट की फाइल लेनी है वहीं पे वो इमेज, दोनों एप्लेट की और इमेज जो होती है, जो इमेज आपको इंसर्ट करनी है, वो दोनों एक ही फोल्डर के अंदर होनी चाहिए. जैसे कि मैंने ये फाइल ली हुई है इमेज, जैसे कि ये इमेज ली हुई है मैंने इसी, और ये इमेज है, और इसी इमेज के पास में जो फोल्डर है इसी फोल्डर के अंदर हम लोगों ने एप्लेट का वो लिया हुआ है फोल्डर, एप्लेट का जो हमने व्यूअर बनाया हुआ है, एप्लेट किसके अंदर बनाया हुआ है, एप्लेट की फाइल नोटपैड के अंदर वो ली हुई है. चलिए एक बार करके देख लेते हैं प्रैक्टिकली. ये हमारी फाइल है एप्लेट. ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है. तो सबसे पहले अपन को इसमें वेरिएबल लेना होगा एक इमेज, क्योंकि हमें इमेज डालनी है. तो इमेज में एक क्लास होती है, इमेज ले लिया हमने, एक इमेज आईसी हमने इसका वेरिएबल ले लिया. आईसी को हमको इनिशियलाइज करना पड़ेगा. तो इनिशियलाइज करने के लिए हमको हमारा जो मेथड होता है जो इसमें एप्लेट के अंदर, वो होता है void इन इट. इसके आगे आप पब्लिक भी लगा दो, कोई ऐसे कोई दिक्कत ही नहीं, लगाओगे तो फिर भी चल जाएगा, पर पब्लिक लगा दिया हमने, लगा दिया पब्लिक. एंड इसको हमने फंक्शन को बंद कर दिया. इसके अंदर हम लोग वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं. आई सी इज इक्वल टू गेट इमेज, ब्रैकेट में लगा दिया गेट कोड बेस. फिर उसके बाद पैकेज के बाद जो पिक्चर का नाम है, पिक्चर का नाम हम लोगों का इसमें फोल्डर में था 123 दिया हुआ था, तो 123 डॉट जे पी, जिस भी फॉर्मेट में उस फॉर्मेट में लिख दो इसको. उसके बाद हमने इसमें इसको लिख दिया, सेमी कॉलन लगा दिया, ब्रैकेट बंद, इसे बंद कर दिया. उसके बाद हम लोगों को क्या करना होगा, हमने इसका हमने जो आई सी वेरिएबल था वो इनिशियलाइज कर दिया है इनिट के अंदर. अब हम इसको एक बार प्रिंट करने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, पब्लिक वॉइड ग्राफिक्स वाले में, पब्लिक वॉइड पेंट में जो हम ग्राफिक्स लगाते हैं उसमें, पब्लिक वॉइड पेंट में ग्राफिक्स के हमने एक वो ले लिया वेरिएबल, ग्राफिक्स के हमने एक आर्ग्यूमेंट ले लिया ग्राफिक जी, बिल्कुल सिंपल है. इसके बाद हम लोगों ने जी लेने के बाद जी डॉट ड्रॉ इमेज, जैसे कि हम लोग सर्कल वगैरह बनाते हैं, सर्कल में ड्रॉ सर्कल लिख दिया, ड्रॉ आर्क लिख दिया, ऐसे ड्रॉ डॉट जी डॉट ड्रॉ इमेज. पिक्चर का नाम हमने क्या लिया है, आई सी कॉमा, इसके एक्स एक्सेस वाई एक्सेस और इसका विदित और यहाँ हाइट कितनी होगी, हमने इसमें से 250 और 190 ले लेना है. इसके बाद एक और इसका आर्ग्यूमेंट आएगा, वो होगा दिस, मतलब इसमें 6 आर्ग्यूमेंट होगा टोटल. आई सी पिक्चर का नाम 500 एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, इसकी लेंथ और विदित, इसकी दिस मतलब इसका एक आर्ग्यूमेंट है जिससे कि ये इमेज हमारी उस पर एप्लेट के व्यू पे व्यू हो जाए. इसलिए ब्रैकेट हमने सारे बंद कर दिए, एक ब्रैकेट बंद कर दिया, इसको हमने यहाँ से सेव कर देना है. इसको एक बार हम कंपाइल करके देख लेते हैं, यहाँ से इसको एक बार हम कंपाइल करा लेते हैं. जावा सी एप्लेट वन डॉट जावा, यहाँ से कंपाइल हो गया. एक बार इसको हम लोग एप्लेट, अब इसको हम लोग कंपाइल करने के बाद एप्लेट व्यू पर चलाना है. क्यों चलाना होता है एप्लेट व्यूअर पे, एप्लेट व्यूअर क्या होता है, ये सब चीज़ें अगर नहीं पता है तो मेरी पुरानी वीडियोज मैंने अपलोड की हैं, उसको ज़रूर देख लें, इससे पता लग जाएगा कि क्या चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं और किस लिए यूज़ कर रहे हैं. इसके बाद हम लोग इसको एप्लेट व्यूअर पर चलाने के लिए एप्लेट व्यूअर एप्लेट वन डॉट एस टी एम एल चला देते हैं. इसको ये एप्लेट खुल गया हम लोगों का, इसको एक बार बड़ा कर देते हैं. ये पिक्चर आपकी आ गई है 500 एक्सिस पे, और इसकी जो लेंथ है और विड्थ है वही पिक्चर है. थैंक यू फॉर वॉचिंग लर्निंगस्ट्रोम अकेडमी. ये एप्लेट पूरा फिनिश हो गया है, अब हम लोग स्विंग स्टार्ट करने वाले हैं. तो आगे स्विंग पढ़ने के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें.